नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अरविंद केजरीवाल का मध्य प्रदेश में कांग्रेस भाजपा समझौते का चुनौती, मतदाताओं के लिए 10 गारंटी लेकर आए। आम आदमी पार्टी आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी ही पार्टी के गठबंधन इंडिया के सदस्य कांग्रेस पर हमला किया है। उन्होंने इस बारीकी से बताया कि पुराने दिनों में दिल्ली में दो पार्टियां थी जिनमें अच्छी सेटिंग थी। एक बार एक पार्टी राज करती थी, फिर दूसरी पार्टी राज करती थी। वे यह भी कह रहे थे कि एक पार्टी आते ही लूट करती थी और फिर दूसरी पार्टी भी वही काम करती थी। उन्होंने अपने भाषण में आगे कहा, मध्य प्रदेश भी दो पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, इन्हें भी हम उखाड़ कर फेंक देंगे। मैं वादा करता हूं कि इसके बाद आप दोनों पार्टियों को भूल जाओगे। केजरीवाल ने दिल्ली पंजाब के स्कूल और अस्पतालों का जिक्र करते हुए कहा, किसी पार्टी में ऐसे स्कूल अस्पताल बनाने की हिम्मत नहीं है, इनकी नीयत खराब है। ये कभी आपके परिवार बच्चों के लिए काम नहीं करेंगे, इन्हें बस दारू और पैसे में आपके वोट खरीदने का शौक है। केजरीवाल ने ये बातें सोमवार को रीवा के SAF ग्राउंड में पार्टी की महारैली में कही। उनके द्वारा किए गए बड़े ऐलानों के साथ मंच से केजरीवाल ने मध्य प्रदेश की जनता को 10 गारंटी दी। उन्होंने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रमिशियों को उजागर किया जो इस प्रकार हैं। बिजली, आपका वादा है कि वह एक साल के अंदर 24 घंटे बिजली देंगे और गांव में भी 24 घंटे फ्री बिजली का इंतजाम करेंगे। 31 अक्टूबर तक के सारे बिजली बिल शून्य कर दिए जाएंगे। शिक्षा, 5 साल के भीतर सभी सरकारी स्कूलों को शानदार बनाने का प्रयास करेंगे। संविदा शिक्षकों को पक्का करेंगे और प्राइवेट स्कूलों को गलत तरीके से फीस बढ़ाने नहीं देंगे। स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक के कोने कोने में खोलकर देश में मुफ्त डॉक्टर सेवाएं प्रदान करेंगे, इनमें इलाज, टेस्ट और जरूरी खर्च को सरकार देगी। भ्रष्टाचार पर लगाम, भ्रष्टाचारियों को पकड़कर जेल में डालेंगे और दलालों के चक्कर में रिश्वत देने की जरूरत नहीं होगी। रोजगार, सरकारी नौकरियों को सिफारिश के बिना दिलवाएंगे और रिश्वत के बिना भर्ती करेंगे। जब तक योजना नहीं बनती, हर बेरोजगार को महीने 3,000 रुपए की भत्ता दिया जाएगा। तीर्थयात्रा, बुजुर्गों को तीर्थयात्रा का आयोजन करेंगे AC ट्रेन और होटल में रुकावट के साथ। सभी व्यय, आना जाना, खाना पीना सरकार द्वारा मुफ्त दिया जाएगा। शहीद सम्मान निधि, सैनिकों और पुलिस कर्मचारियों के शहीद होने पर उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का सम्मान दिया जाएगा। संविदा कर्मचारी, सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का काम करेंगे और ठेका प्रथा को समाप्त करेंगे। पेशा कानून, आदिवासियों के लिए पेशा कानून लागू किया जाएगा और ग्राम सभाओं को भी अधिकार प्रदान किए जाएंगे। किसानों को फसल के पूरे दाम मिलेंगे और फसल के खर्चों को सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। केजरीवाल ने इस बड़े इलेक्शन की महत्वपूर्ण बातें जगाई, लोगों को उम्मीद दिलाते हुए कहा कि वे सरकार बदल कर उनके जीवन को सुधार सकते हैं। उन्होंने आपके समर्थन और वोट के लिए आग्रह किया और यह सुनिश्चित किया कि उनके विशेषज्ञ योजनाओं को वादा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उनके भाषण के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि वे अपनी पार्टी के साथ एक मजबूत चुनौती प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं और लोगों को अपने विकास कार्यक्रमों की ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बड़े इलेक्शन के माध्यम से केजरीवाल और उनकी पार्टी ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास और प्रगति की दिशा में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं जिससे वे निर्वाचन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और लोगों के विश्वास को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह केजरीवाल ने अपने भाषण के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया और लोगों को आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में आग्रहित किया। ध्यान दें कि यह भाषण केजरीवाल और उनकी पार्टी के दृष्टिकोण को व्यक्त करने के उद्देश्य से लिखा गया है और इसका मकसद जानकारी प्रदान करना है, न कि किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन करना। केजरीवाल के भाषण की प्रमुख बातें, इंडिया का नाम बदलना, बीजेपी को इंडिया गठबंधन के नाम से बहुत परेशानी हो रही है, इससे उनका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बदल गया है। वे अब सत्ता से ज्यादा देश से प्यार करने वाले नहीं लगते हैं और यह बात इन्होंने खुलकर कह दी है। इनके लोग देश के नाम को बदलने की चुनौती देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।